मोतिहारी में बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसमें ठेकेदार जयप्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर को 3 गोली लगी है, जिसका इलाज मोतिहारी के रहमानी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना के संबंध में मृतक के ड्राइवर राधेश्याम ने बताया कि वो जयप्रकाश छतौनी थाना क्षेत्र बरियारपुर स्थित आवास से पटना जा रहे थे और इसी दौरान चकिया में अपने हॉट मिक्सर प्लांट पर रुक कर वहाँ काम देखने के बाद पटना के लिए चले, जहाँ ओवरब्रिज के पास गाड़ी रोक कर बैठ कर बिरयानी खा रहे थे। तभी काले रंग की बाइक सवार से 2 अपराधी आए और अधाधुंध फायरिंग करने लगे। वहीं जब गाड़ी लेकर भागे तो पीछा करके भी गोली मारी गई। उसी हालत में गाड़ी को लेकर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर मोतिहारी के नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां जयप्रकाश भैया को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं ठेकेदार जयप्रकाश की हत्या की खबर जैसे ही लोगों को पता चली, वैसे ही नेताओं और उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि ठेकेदार जयप्रकाश को सिर से लेकर पांव तक कई गोलियां मारी गई हैं, जिसे देखकर लोग आशंका जता रहे हैं कि अपराधियों ने घटना में बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है। वहीं चकिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर कई खोखा और गोली बरामद की। सदर SDOP ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है। अपराधी किसी भी हाल में बक्से नहीं जाएंगे। पटना जा रहे थे, प्लांट पर रुके हैं अपना। प्लांट पर रुकने के बाद में निकले पटना के लिए, तो चकिया में खाने लगे ऊपर बीच में, खड़ा करो गाड़ी, खाना खा रहे थे होटल में, गाड़ी में खा रहे थे। तब तक 2 आदमी आया है, आदमी फायरिंग कर लगा, पिस्टल दोनों आदमी फायरिंग कर रहे हैं। दोनों आदमी कहाँ चले आए? हाँ, उसके बाद में भागे, फिर पीछा करके सब बाइक से गोली चलाया, फिर पीछा करके भी चलाया। हाँ, फिर पीछा करके चलाया, टेम्पू एक आगे आ गया है, उसके कारण फिर दोबारा गोली मारा है सब। तब गाड़ी घुमा करके फोन किया मनोहर भैया के, कैसे करें, बोले डायरेक्ट लेकर के पैसा हुआ है,